स्थिति यह है कि आप चैनल पे दिखाओगे तो हम बताएं, गारंटी तो दिखाओगे तो हम बताएं, वरना अगर हम सच बोल जाए तो उतनी धाराएं नहीं है, समझाना जितनी लग जाएंगी हमारे ऊपर से रहन दो भाई साहब, घर तक नहीं जाएंगे, चार लठवारे आ जाएंगे। मान शहरी में हूँ मैं, हरिशंकर घटी का पल्ला भारी है, ग्रामीण क्षेत्र में तरह के हरवा ज्यादा है, किराने हरवा वो जो कांटे की टक्कर है दोनों जन के बीच, खास अगर इसका दुश्मन भी है तो उसने उसका बुरा नहीं किया है, जो कहते हैं जो कहते नहीं है, लेना देने से काम करते हैं। सभी व्यापारी बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं, ऑनलाइन में खुलेआम लूट मचाते हैं, यहाँ पे हर विधायक सीएम रहा है। तो चलिए, जतारा विधानसभा में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, आखिरकार किसकी हवा है, यहाँ पर हरिशंकर खटीक जो वर्तमान विधायक हैं और इसके अलावा कांग्रेस से किरण अहिरवार हैं, साथ ही साथ दोनों पार्टियों के बागी भी चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार जनता के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, नगर के लोग। जी, क्या नाम है आपका? हमारा शेख हमीद नाम है। हमीद साहब, बताएँ क्या कंडीशन है अभी, जो स्थिति बन रही है, चुनाव बहुत नज़दीक हैं। वो तो क्या पता है, बताने के लिए क्या है, महंगाई है। हाँ। महंगाई चाहती है, महंगाई कम हो। हाँ। तो उसको वो है, क्या बोले और बताओ क्या? क्षेत्र के काम को लेकर बात की जाए, विकास तो हरिशंकर खटीक भी है, काम बहुत कराया वर्तमान में, वो भी विधायक है अभी। हाँ। तो अब वर्तमान में तो है, लेकिन आगे आने वाले समय को अपन क्या, आने वाले समय में तो है ये प्रकार की बातें हैं जो मार्केट वगैरह में हैं, जो शहरी में हूँ मैं, हरिशंकर खटीक का पल्ला भारी है, किराने ग्रामीण क्षेत्र में तरह के हरवा ज़्यादा है, किराने हरवा ज़्यादा है। यानी कि जातिगत मुद्दे पर वोट डिवाइड हो? नहीं, जाति मुद्दे से नहीं है। अब आप ही तो कह रहे हैं कि हरवार ज़्यादा है, तो हरवार की उससे नहीं कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र की यह बता रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में किराने हरवार का पल्ला भारी ज़्यादा। क्यों, जबकि उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो जो है भोपाल से आती हैं, अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ी, अब यहाँ पर विधानसभा की दावेदारी है, तो किस तरीके से जनता जो है उनको सपोर्ट कर रही है? क्या है उसका, ये कुल मिला के माने का है, बेबी थोड़ी बाहरी है, प्रत्याशी जी लोकल का है, प्रत्याशी तो ही में जी तनक हरिशंकर भारी पड़ रहा है। हाँ, अब आगे चल के क्या बनता है समीकरण? चलिए आगे चल के क्या समीकरण बनता है, हमारे साथ एक पंडित जी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? हमारा महेश मिश्रा। मिश्रा जी, बताएं क्या स्थिति है आपके यहाँ चुनाव को लेकर? वो जो कांटे की टक्कर है दोनों जन के बीच में। अच्छा। हाँ, हमारे अंदाज से यही है कि पल्लक आगो भाई रंजन कांटे की क्या है, विधायक जी जो हरिशंकर है, इनने काम अच्छे किए है, अब बस रहते थोड़ा आदमन के अंदर कोई मतलब ऐसा है कि इतना बदलाव की भावना से भेज मन माँ की जो प्रत्याशी जो है हरिशंकर, इसने किसी का गलत किया नहीं है, वो ऐसा विधायक जहाँ की क्या, इसने विकास अगर इसका दुश्मन भी है तो उसने उसका बुरा नहीं किया है। लोगों का तो ये कहना है कि पूरे में भ्रष्टाचार मचा है, पुलिस अलग परेशान कर रही है, पैसे जहाँ भी जाओ हर विभाग में बिना पैसे का, ये सब झूठ है। पुलिस की क्या परेशान कर रही है, तो देखो तुम जतारा में काको परेशान कर रही का, ये खटीक के टेम में काम बहुत बढ़िया चला, जैसा कि अगर एक कैंडिडेट भी जाके उसके पास में पहुँचो तो अपने बात रखी तो उसने उसके लाने तत्काल एक्शन लो, मान लो तो फिर भी, लेकिन टक्कर कांटे की है, टक्कर कांटे की आम दृष्टि से पूरे क्षेत्र में देख के टक्कर कांटे की है, वो दो ही के बीच में 300 प्रत्याशी भी सामने नहीं है। चलिए, तो दो लोगों के बीच में कांटे की टक्कर की बात हो रही है। दादा, क्या नाम है आपका? जी धोरदयाल जी, क्या स्थिति आपको लग रही है चुनाव में? हमारे चुनाव में तो यही है कि विधायक ने जो किया है कछु कहते हैं। हाँ। कछु कहते हैं। अच्छा। हाँ, और कछु कहते हैं, कछु दिखाते हैं। हाँ, हाँ। यानी तालमेल नहीं है? तालमेल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कई केस ऐसे हो चुके हैं भाई साहब के, ये चलते फिरते रहते हैं, जिसके पेट में प्यास लगती है तो प्यास पूरी नहीं कहते हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे बताएंगे जो जनता को समझ में आए कि कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने वादे किए और काम पूरे नहीं हुए, या बात कही जा रही है लेकिन किया कुछ और जा रहा है? तो ये है, नगर पालिका में
नगर पालिका में कोई प्यास नहीं है इनकी, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और जितने नगर पालिका के प्रत्याशी हैं वे काम अपने अपने लेने देने से काम करते हैं। चलिए, तो लेने देने से काम चल रहा है ये कहना है दादा का। क्या शुभ नाम है आपका? शेख निहालुद्दीन। क्या स्थिति है आपकी? स्थिति ये कि आप चैनल पे दिखाओगे तो हम बताएं, गारंटी दो दिखाओगे तो हम बताएं, वरना नहीं। अब अगर मान लीजिए हम तो नेता नहीं है कि अगर हम वादा करें और भूल जाए, हम तो दिखाने के लिए ये प्रोग्राम है। ये आम पब्लिक है, अगर टीवी पे दिखाओ जी तो पूछा करो, गुप्ता जी से करो बात। नहीं नहीं, गुप्ता जी से पूछ चुके हैं, आप बताइए। बहुत बढ़िया चल रहा है मध्य प्रदेश में, जैसा वैसा रहना चाहिए। अच्छा, ठीक, मतलब यथास्थिति। यथास्थिति, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब चकाचक है, सब चकाचक है, सब कुछ मिल रहा है, बढ़िया काम चल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, सब बढ़िया, रोजगार मिल रहा है। रोजगार की बात क्या कर रहे हैं, MBA है लड़का, देंगे जाने कहाँ विदेशों में गए सारे लड़के पढ़ने के बाद, काम छुप करने के लिए कुछ यहीं कर रहे जतारी में। युवाओं की जो भीड़ मोबाइल में रील देखते हुए इकट्ठी घूमती रहती है, पैसा है उनके पास तो मोबाइल में बैलेंस डाल रहे हैं, हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है श्रीमान जी। अच्छा, लोग कहते हैं कि बिना पैसे ले दिए काम नहीं होता, अभी दादा ही ने कहा कि विधायक जी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। दादा हमारी उम्र से ज्यादा है ना, कुछ ज्यादा अनुभव है। अरे तो आपको भी अनुभव, आपके भी अनुभव सफेद हो गए हैं। बात तो हम बात करें ढंग से, नहीं तो ऐसी बात। आपको कैसे विश्वास दिलाएं कि नहीं दिखाएंगे? आपके लिए एक आदमी गारंटी का यहाँ पर हम खड़ा कर देते हैं कि आप जो बोलेंगे आप बेबाकी से बोलिए, ये हमारी गारंटी है कि अगर आपका जो कहा हुआ हम ना दिखाएं तो अगली बार ये चैनल का नाम देख लीजिए, पेप्टेक टाइम नाम है, अगली बार आप बाइट। अगर हम सच बोल दे तो उतनी धाराएं नहीं है, समझाने जितनी लग जाएंगी हमारे ऊपर से, रहन दो भाई साहब। फिर भी कुछ तो किससे डरते हैं यार? शासन से डरते हैं, शासन में सब बढ़िया है, अब का बताएं, घर तक नहीं जाएंगे, चाल लठवा रहे आ जाएंगे, मान लीजिए ये कंडीशन है बस। चले, तो कंडीशन जो बताई जा रही है उस हिसाब से तो कि अगर सच कहा जाएगा, क्योंकि सत्ता सच कभी सुनना नहीं चाहती, उसको बेहतर बेहतर सुनने की आदत पड़ी हुई है, वैसे ही उनके मन की अगर बात कही जाएगी तो बढ़िया है, और अगर कोई विरोध की बात करता है तो उसको परेशानी होती है, ये कहना है चाचा का। एक सज्जन और मौजूद हैं, क्या नाम है? राम कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या स्थिति है, कैसा व्यापार चल रहा है? स्थिति तो व्यापार तो ठप है। अच्छा, पूरा ऑनलाइन में सब व्यापारी पूरे परेशान हैं, यानी कि मैं सभी व्यापारी बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं ऑनलाइन में। और यहाँ नगर में, यहाँ का सिंचाई अध्यक्ष हूँ अभी, तो मैंने हरिशंकर ने तालाब की कोई व्यवस्था नहीं की है, यहाँ इस समय जो अभी तालाब की कंडीशन है पानी नहीं बचा उसमें, और अभी पीने के लिए पानी के लिए जतारा वाले तरसेंगे, एक पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, हरिशंकर खटीक से ज़्यादा भांस नहीं डलवा पाए हैं, तो ये क्या विकास करेंगे? कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये हरिशंकर की कुछ बातें अच्छी नहीं हैं। क्षेत्र में इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके वादे किए गए थे 5 साल पहले और वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए? कई वादे हैं जो हो नहीं पाते हैं, कहते हैं बस, ऐसे शिवराज सिंह का भी काम है, वादे कर देते हैं वो भी नहीं करते, उनके विधायकों की तो ठीक है, खुलेआम लूट मचाते हैं। यहाँ पे हर विधायक CM रहा है, इस पंचवर्षीय में CM ही विधायक कहलाना है, उनका हर विधायक CM के पावर के काम किए हैं, उनने जो उनने कहा है वो ही चला है। आम आदमी बिल्कुल परेशान है, हर आदमी गरीब का तो कोई काम होता ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या परिवर्तन की लहर समझ में? परिवर्तन की 100% है, वो 170 सीटें आएंगी कांग्रेस की, इस दफे भाजपा जाएगी गोल मार गई। नहीं, अपन यहाँ की बात करें, जैसे कि लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जो बाहरी प्रत्याशी हैं, उनका क्षेत्र में दखल नहीं है, उनको तो पंचायतों के ये गिनती भी नहीं मालूम के, फिर कैसे? जब किरण अहवा जी ने सांसद का चुनाव लड़ा उससे वो अपने संपर्क में है, 4 साल से वो यहीं हैं, और अभी तो उनने तो मकान बनवा लिया है टीकमगढ़ में स्वयं का, लेकिन हमारे जो विधायक जी हैं उनने अभी तक मकान नहीं बनवाया है, यहाँ पे सिर्फ प्लाट डला है, आज से 14 साल हो गए प्लाट नहीं बना है उनका, उनने तो मकान बनवा लिया है। तो उनकी आप कह रहे हैं कि उनने टीकमगढ़ में बनवा लिया? हाँ। वो पलेरा के हैं, उनका पलेरा में बना हुआ है, तो इससे आप बोल रहे हैं ना कि बाहरी हैं, तो बाहरी नहीं है वो, निवासी टीकमगढ़ में है, भोपाल नहीं जाना पड़ेगा, यहीं रहेंगी वो, जब से इनका मकान भी वो किराए पे लिए हैं गांधीग्राम तेगेला पे। हाँ।
वहाँ रहती हैं, उनका निवास है। ऐसा तो लोग वह कहते हैं कि उनको भाग जाना है, आना नहीं है। अगर भागना पड़ता तो वो 4 साल से इस क्षेत्र में नहीं रहती। ये तो मुख्यमंत्री नाम है, ये जो भाजपा के नेता जो है, चाहे आपके विधायक जी हों बाकी हों, घूम रहे हैं और ये शिवराज सरकार की तमाम योजनाओं की बातें कि लाडली बहना, इतने में गैस सिलेंडर, ये सब, इनका कितना फ़र्क पड़ेगा? लाडली बहना दिखावा है। अभी 18 साल से कहाँ थी, चुनाव आ गया, उन्होंने कहा कि भाजपा हार रही है तो महिलाओं को खुश कर दो, जे कोई लॉलीपॉप नहीं चलेगा। कमलनाथ जी भी तो 1500 दे रहे हैं, ये लॉलीपॉप अभी तो उनकी लॉलीपॉप चालू नहीं हुए। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, जो शिक्षक 15 साल अपने दूर डले रहे वाली बच्चों से, उनने ऑनलाइन फार्म भर के सीधे ट्रांसफर करवाए थे और किसानों का कर्जा माफ हुआ था, उनने जो कहा है तो किया है। और गौशाला भी कमलनाथ ने ही बनवाई थी और शिवराज सिंह के में तो बंद हो गई। चलिए, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, और ये कहना है गुप्ता जी का कि पानी की समस्या है, आने वाले समय में काफ़ी समस्या लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं, और तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता काफ़ी कुछ परिवर्तन की बात कर रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि ये जनता के दिमाग में जो चीज़ें उथल पुथल चल रही है, जो परिवर्तन की बात चल रही है, वो आखिरकार वोट में कितना तब्दील होता दिखाई पड़ता है।